नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं मनोज। आज 78वीं स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दरभंगा DMCH के अधीक्षक कार्यालय, प्रिंसिपल कार्यालय और BSc नर्सिंग की प्रचार ने GNA कॉलेज में आज झंडोत्तोलन किया। सबसे पहले देखिए दरभंगा DMCH में विकास के क्या क्या काम हुए। DMCH के अधीक्षक ने साफ कहा, उन्होंने कहा कि सुपर स्पेशलिटी के साथ वो DMCH के नए सर्जरी भवन में जो अब हैंड ओवर किया जाएगा तो और कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सेंट्रल रजिस्ट्रेशन का कार्य हुआ, यानी अब एक रजिस्ट्रेशन पर ही काम होगा। उन्होंने ये भी कहा कि रिकॉर्ड रूम को अपडेट किया जा रहा है, ताकि पहले कभी भी कोई घटना घटती थी उसका रिपोर्ट आने में काफ़ी समय लगता था। उन्होंने रिपोर्ट जो रिकॉर्ड रूम थे उसको कुछ कर्मचारियों के बदलाव की, भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करने की बात की। देखिए दरभंगा DMCH के अधीक्षक सबसे पहले क्या कहती है। इसके आगे हम NIC इंडिया से ये अनुरोध किए हैं कि वो एक सॉफ्टवेयर हम लोग को उपलब्ध करें, जिसके तहत जैसे एम्स जैसे पैटर्न पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी उपलब्ध हो जाएगी। जैसे ही जैसे वो सॉफ्टवेयर हम लोगों के पास होगा, वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की भी सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। उससे मरीजों को बहुत फायदा होगा। हम सब मिलकर ये भी प्रयास कर रहे हैं और बहुत जल्दी उसमें कामयाबी भी हासिल होगी कि किसी भी मरीज को जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र उसके जन्म और मृत्यु के तुरंत बाद ही उपलब्ध हो सके। इस दिशा में मेरा प्रयास जारी है और हमारी पूरी टीम लगी हुई है इस प्रयास में और जल्दी हमें कामयाबी मिलेगी। जो कि रिकॉर्ड रूम को आधुनिक बनाया गया है, हमारे रिकॉर्ड रूम का आधुनिकरण किया गया है। रिकॉर्ड रूम में बड़ा सा स्कैनिंग मशीन लगाया गया है, जिसके चलते हर BHT जो भी पुलिस केस की BHT होती है, जो हमारे पास उपलब्ध होती है हर एक विभागों से, उस पर उसका तुरंत स्कैन कर दिया जाता है और वो तुरंत संधारण हो सकता है। बड़े कॉम्पैक्टर लगाए गए हैं जिसमें उनका संधारण अच्छे से हो सकता है। पुरानी जितनी भी फाइल्स थी, पुराने जितने भी BSC थे, सबका हम लोग धीरे धीरे उसका संधारण करते जा रहे हैं, उसको स्कैन करके उसका संधारण करते जा रहे हैं। और अब जो रिकॉर्ड रूप में व्याप्त अनियमितता है उसको दूर करने में हमें बहुत सफलता मिली और धीरे धीरे उस ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। उस ओर हम लोगों ने एक और कदम बढ़ाया है जो इमरजेंसी में ही, जैसे हम लोगों का जो पुलिस केस के मरीज रहते हैं वो डॉक्टर्स के द्वारा उसी क्षण उनका प्राइमरी इंजरी नोट कर दिया जाता है, जो कि हम लंबे समय से हमारे पास बहुत लंबित इंजरी रिपोर्ट्स की सूची आ रही थी, वो धीरे 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 कम होती जा रही है और उसमें हमारे डॉक्टरों का भी सहयोग पर्याप्त मिल रहा है। कुछ कमजोरियां जरूर आती हैं, वो भी धीरे धीरे दूर कर दी जाएगी। तो इससे जो भी अनियमितता है वो भी दूर हो जाएगी। पहले से ही हम लोग स्कैनिंग करके CT स्कैन के रिपोर्ट्स मंगा रहे थे, अब रेडियोलॉजी से भी हम लोग स्कैन करके रिपोर्ट्स डायरेक्ट मंगवा रहे हैं और रिकॉर्ड रूम से ही जो भी इंजरी रिपोर्ट्स है डायरेक्ट ईमेल पर तुरंत के तुरंत हम लोग भेजने का प्रयास कर रहे हैं। इससे लंबित सूची बहुत 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 कम हो गई है। ये हमारे टीम वर्क का ही जो प्रयास है, सामूहिक प्रयास है और बहुत सराहनीय प्रयास है। और आगे हम लोगों को कई उपलब्धियां और हासिल की है, जैसे हमारे बिजली के क्षेत्र में बिजली का जो भी रख रखाव, हमारी यही कोशिश है कि कहीं भी पूरे परिसर में वोल्टेज की समस्या उत्पन्न ना हो, लो वोल्टेज की समस्या उत्पन्न ना हो, बेतरतीब ढंग से लटके हुए तार उनको संयोजित किया जा रहा है और जो हमारे नए उपकरण, नई एयर कंडीशन इकाइयां लगी है वो भी सुचारू रूप से चल सके, जिससे कि हमारे डॉक्टर्स, हमारे जो परिजन, मरीज के परिजन में मरीज हैं वो उनको
डीएमसीएच अधीक्षक कार्यालय के बाद दरभंगा डीएमसीएच के प्रिंसिपल डॉक्टर के एन मिश्रा के कार्यालय में झंडोत्तोलन किया गया। एक साल पहले यहीं पर दरभंगा के एम्स के डायरेक्टर ने यहाँ से झंडोत्तोलन किया था, लेकिन आज प्राचार्य ने तमाम उन डॉक्टर्स को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स जो जिनके मदद से आज दरभंगा डीएमसीएच विकास कर रहा है, डीएमसीएच हजारों मरीजों की भावनाओं पर खड़ा उतरा है, अब मरीज को इतना विश्वास हो गया डीएमसीएच में, बाहर बाहर से लोग आ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सुपर स्पेशलिटी में भी जल्दी उन्होंने और भी कई काम हैं जिसको करना है और कई काम स्टार्ट भी हो गए हैं। यूरोलॉजी न्यूरोलॉजी के साथ जो कार्डियोलॉजी में भी उन्होंने कहा कि कैथ लैब से कई का काम प्रारंभ करना है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पहली बार गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी जो दो ऑपरेशन पहले ही दिन, ये बहुत बड़ा विषय है क्योंकि इस तरह के मरीज चले जाते हैं एम्स दिल्ली पटना चले जाते हैं, अब ऐसे मरीजों को यहाँ रह कर इलाज होगा। उन्होंने उन तमाम जूनियर डॉक्टर्स, रेजिडेंट डॉक्टर्स और ख़ासकर जो डॉक्टर्स जो उन लोगों का जिनका प्रमोशन हुआ है, उन सबों को इस कार्य में लगने के लिए धन्यवाद ज्ञापन दिया। देखिए क्या कहते हैं डीएमसीएच के प्रचार डॉक्टर के एन मिश्रा। सभी गर्व के साथ स्वच्छता दिवस की 78वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। यह दिन हमें न केवल हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान की याद दिलाता है बल्कि हमें कर्तव्यों और दायित्वों का भी याद दिलाता है। यह वर्ष हमारे महाविद्यालय का शताब्दी वर्ष है। आज हम जिस मकाम पर हैं उसके लिए इस महाविद्यालय के सभी पूर्ववर्ती प्राचार्यों, शिक्षकों और छात्रों कर्मचारियों का योगदान रहा है। इसके लिए हम सभी उनके कृतज्ञ हैं। इस महाविद्यालय का अतीत बहुत ही गौरवमय रहा है और हमें अपने प्रयास से इसका उज्ज्वल भविष्य तय करना है। दरभंगा मेडिकल कॉलेज में पिछले कुछ समय में जो प्रगति हुई है वह हम सभी के सामूहिक प्रयासों का ही परिणाम है। मुझे गर्व है कि हमारे कॉलेज में प्राध्यापकों और सह प्राध्यापकों की संख्या अब लगभग समुचित हो गई है और अभी हमें 71 एसोसिएट और 25 प्राध्यापक प्रोन्नत हुए हैं। मैं उन्हें बधाई देता हूं। आप सभी से अपेक्षा करता हूं कि आप अपने दायित्वों को समझकर विद्यार्थियों के पठन पाठन में पूरी निष्ठा से योगदान दें। वर्तमान में हमारे प्रयास से सुपर स्पेशलिटी में ओपीडी का शुरू हुआ। हमारे यहां 12 सुपर स्पेशलिस्ट योगदान दिए हैं और वे ओपीडी का शुरू कर चुके थे और इधर मैं 13 तारीख को विगत 2 दिन पूर्व इंदौर का शुरुआत करते हुए गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी विभाग में इंडोस्कोपी का शुरुआत कराया। मैं निकट भविष्य में और विभाग में ही जल्द ही छोटे छोटे काम को लेकर के इंदौर शुरू करवा दूंगा। मैं डॉक्टर यूसी झा और डॉक्टर हरि दामोदर सिंह को विशेष बधाई देना चाहता हूं जिनके प्रयास से पीजी छात्रों का बीएलएस एएलएस ट्रेनिंग सफलतापूर्वक संपन्न कराई जा रही है और परीक्षा की अर्हता पूरी हो सकी है। इसके साथ ही मैं पूनम कुमारी का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने यूजी और पीजी की कक्षाओं और परीक्षाओं के संचालन में सक्रिय योगदान दिया है। मैं ऑर्थोपेडिक्स के विभागाध्यक्ष डॉक्टर गोविंद मोहन जी का हृदय से धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने ऑर्थोपेडिक्स को ओटी को सारे ब्लैक लॉक क्लियर कर दिए और वहाँ पर नियमित रूप से अच्छी संख्या में सर्जरी हो रही है। आई के डॉक्टर आशीष सहनवाज और उनकी टीम बधाई के पात्र हैं जिन्होंने बिहार में सबसे अधिक अंगदान आई का डोनेशन कराया है और वे इसके लिए पुरस्कृत भी हुए हैं। मैं सभी विभागाध्यक्षों का, शिक्षकों का, रेजिडेंट और पीजी छात्रों का आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने अपने विभाग में शिक्षण प्रशिक्षण के साथ रिसर्च में रुचि ली है। यह अच्छी परंपरा है और सभी विभाग में लगातार सेमिनार, जर्नल क्लब एंड केस प्रेजेंटेशन हो रहे हैं। रेस्पिरेटरी मेडिसिन में भी डॉक्टर मोहन कुमार स्पायरोमेट्री चालू कर चुके हैं जो यह प्रगति है हम लोगों के लिए जो अभी तक था नहीं और लोगों का काफ़ी अर्से से डिमांड था। मेरे प्रशासनिक कार्यों में डॉक्टर पी के लाल एवं डॉक्टर आर के दास लगातार सहयोग दे रहे हैं जिनके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। अस्पताल में हमारे अधीक्षक महोदय ने इस बीच बहुत सारे कार्य किए हैं, खास करके एमसीएफ की शुरुआत हुई, सुपर स्पेशलिटी के साथ साथ नए सर्जिकल भवन में
काम शुरू हो गया है और उसके चलते बहुत सारे हमारे जो चिकित्सक हैं अब ज़्यादा से ज़्यादा ऑपरेशन कर रहे हैं और ओटी जबकि फुल फ्लेज तैयार नहीं हो पाया है और जल्द ही वह हमें 8 ओटी मिलने की उम्मीद है। डीएमसीएच अधीक्षक के प्रिंसिपल के कार्यालय के बाद अब बीएससी नर्सिंग के प्रिंसिपल ने जीएनएम कॉलेज में छात्राओं को एक सीख देते हुए वहाँ झंडोत्तोलन किया। उन्होंने कहा कि आज के समय में पारा मेडिकल एक समाज सेवा है और तमाम लड़कियों को छात्राओं को इस बात का जानकारी होना चाहिए कि आज के इस युग में खासकर उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है, वो सुरक्षा के साथ अपने आप को अवेयर करते हुए, अलर्ट रहते हुए मरीजों की सेवा करना है, ये इसका धर्म है। देखिए क्या कहते हैं बीएससी नर्सिंग कॉलेज के प्रिंसिपल। छात्राओं के लिए हमेशा यही कहना चाहूँगी कि आप हर एक पर्सन के लिए एक इंस्पिरेशन बनिए, बिकॉज नर्सिंग जो है ना उसका मतलब ही होता है टू सर्व ह्यूमन काइंड बेटर। आप किसी भी मरीज की कितनी अच्छी सेवा कर सकते हो ये आपके हाथ में है। आप अपने व्यवहार से, आप अपने बात करने से, आप अपने नेचर से, बड़ों से लेकर छोटे तक को कितने अच्छे तरीके से आप केयर कर सकते हो आपको वो चीज़ दिखाना चाहिए। ये मैं हर एक बच्चे को बताऊंगी और कहना चाहूंगी कि अपने इतना अच्छा केयर प्रोवाइड करिए, इतना अच्छा केयर प्रोवाइड करिए क्लिनिकल एरिया में, इवन दो कम्युनिटी एरिया में, फैमिली मेंबर को, कि आप हर एक जगह पे अपने आप को एक इंस्पिरेशन बना के रखो ताकि आपको देख के किसी को भी लगे कि यस आई रियली प्राउड टू बी अ नर्स। सिक्योरिटी को लेकर के पूरे देश में सवाल उठ रहे हैं कोलकाता कांड को लेकर के, तो किस तरह छात्राओं को अवेयरनेस आना चाहिए ताकि वो अपने आप को सिक्योर महसूस करें और अस्पताल प्रशासन से क्या चाहेंगे? सबसे पहले मैं सिर्फ बच्चियों को ये कहना चाहूँगी कि किसी भी इस तरीके के इंसिडेंट्स के लिए उनको खुद को पहले जागरूक करना है, अपने आप को इतना स्टेबल बनाना है कि कोई आपके ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी घातक अटैक ना कर सके। और मैं चाहूँगी कि बच्चियों को सेल्फ अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, कौन सा इंसान उनसे किस तरीके से बात कर रहा है, किस तरीके का बिहेवियर है, ये सबसे पहले उनको जानना ज़रूरी है। और रही बात सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी की मैं बस सभी लोगों से ये निवेदन करना चाहूँगी जो भी हमारे इस सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि अपने देश को चलाने में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है और अगर महिलाएं नहीं हैं तो कहीं ना कहीं देश को कुछ ना कुछ क्षति बहुत ज़्यादा पहुंचेगी। तो महिलाओं को सुरक्षित रखना हम सभी की जिम्मेदारी है और जवाबदेही है, वो इसमें सभी का योगदान करें। अपना नाम बताइए। मिसेस गुड़िया रानी, डॉक्टर गुड़िया रानी।